हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे थे आधुनिक काल के। आधुनिक काल में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकप्रिय कवि की बात करेंगे, मैथिली शरण गुप्त की। और आज की कक्षा में हम केवल मैथिली शरण गुप्त को ही पढ़ेंगे क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएँ हैं और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी अत्यधिक होती है। मैथिली शरण गुप्त अनुशासन की धारा के कवि माने जाते हैं। द्वेदी मंडल के कवि जो हैं वो अनुशासन की धारा के कवि और द्वेदी मंडल के बाहर के जो कवि हैं वो स्वच्छंदता धारा के कवि की श्रेणी में आते हैं। अगर अनुशासन की धारा के कवियों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्वेदी के नेतृत्व में रहकर और उनके मार्गदर्शनानुसार लेखन कार्य किया वो किस श्रेणी में आए? द्वेदी मंडल के कवि वर्ग में, या यूँ कहें कि अनुशासन की धारा के कवियों में वो शामिल हुए। इनमें प्रमुख थे मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जिनकी बात हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न यहाँ से भी बनाकर पूछा जा सकता है कि द्वेदी मंडल के कवि या अनुशासन की धारा के कवियों में शामिल नहीं है या स्वच्छंदता धारा के कवियों में शामिल नहीं है। तो पहले आप याद रखेंगे अनुशासन की धारा के कवियों, जिनमें महावीर प्रसाद द्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और रामचरित उपाध्याय। अब हम बात करते हैं स्वच्छंदता धारा के कवियों में, जिनमें हम श्रीधर पाठक की बात कर चुके हैं। इनके अलावा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन, नाथुराम शर्मा शंकर, रूप नारायण पांडे और देवी प्रसाद पूर्ण। ये वेदी युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने महावीर प्रसाद द्वेदी के नेतृत्व से बाहर रहकर स्वयं की स्वतंत्र स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया, इसलिए इनको स्वच्छंदता की धारा के कवियों की श्रेणी में रखा गया। तो ध्यान रखेंगे अनुशासन की धारा के कवि और स्वच्छंदता की धारा के कवि। अब हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की। हिंदी के लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली हिंदी में लिखी रचनाएं सरस्वती में 1906 ईस्वी में छपने लगी थी। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना चरम विकास पर पहुंची। गुप्त जी को भारत भारती से बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। गुप्त जी को लोकप्रियता अपनी किस रचना से प्राप्त हुई? भारत भारती से। भारत भारती में देश की अतीत वर्तमान का चित्र खींचा गया है और भविष्य की सुखद कामना की गई है। गुप्त जी की कविताओं में खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में अभूतपूर्व सहायता मिली है। भारत भारती की पंक्तियाँ हिंदी भाषी क्षेत्र के शिक्षित जनों को कंठस्थ याद भी हैं। कविता से जन जागरण का काम यदि किसी ने सबसे अधिक सफलता के साथ किया है तो वो कौन है? गुप्त जी। वस्तुतः गुप्त जी इसी कृति के कारण राष्ट्रकवि कहलाए। गुप्त जी अपनी किस कृति के लिए राष्ट्रकवि कहलाए? तो भारत भारती के। एक और बात, इनके मौलिक काव्य ग्रंथ हैं जिनको क्रम से लगाया जाता है। इनकी रचनाओं के विषय में पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की निम्न रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो आप इनकी जो रचनाएँ हैं उनको क्रम से याद कर लेंगे। इनकी पहली रचना है रंग में भंग। रंग में भंग का जो समय है 1909 ईस्वी, इसके पश्चात जयद्रथवध 1910 ईस्वी। भारत भारती का अलग से समय याद रखेंगे, भारत भारती का 1912 ईस्वी। इसके बाद में इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है साकेत, साकेत का समय याद रखेंगे 1931 ईस्वी। यशोधरा, यशोधरा का समय याद रखेंगे आप 1933 ईस्वी। द्वापर का जो समय है वह 1936 ईस्वी याद रखेंगे। इसके पश्चात जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है 1940 ईस्वी में नहुष, इसके बाद में कुणाल गीत 1942 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। फिर इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, और सबसे अंतिम जो रचना है वह है इनकी विष्णुप्रिया रचना 1957 ईस्वी में। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इनको क्रम से लगवाया जा सकता है। तो क्रम से आप सबसे पहले लगाएंगे रंग में भंग, फिर जयद्रथवध, फिर भारत भारती, फिर पंचवटी। पंचवटी का समय याद रखेंगे 1925 ईस्वी, इसके पश्चात साकेत, फिर यशोधरा, फिर द्वापर, फिर जय भारत और फिर विष्णु प्रिया।
अगर विषय वस्तु की बात हम करते हैं इनकी रचनाओं में, तो इनकी कृष्ण संबंधी रचनाएं, वैष्णव भक्ति संबंधी रचनाएं, बौद्ध मत संबंधी रचनाएं, सिख धर्म संबंधी रचनाएं, सभी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनकी वैष्णव भक्ति संबंधी जो रचना है जिसके अभी हमने बात करी है वह है विष्णुप्रिया, जो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित इनकी रचना है। द्वापर इनकी कृष्ण संबंधी काव्य से संबंधित रचना है। महाभारत के पात्रों और प्रसंगों और उपाख्यानों पर आश्रित इनके काव्य हैं, जो द्रतवध, सैरंद्री, शकुंतला, हिडिम्बा, नहुष, तिलोत्तमा और जय भारत। महात्मा गांधी से संबंधित इनकी रचना है अंजलि और अर्घ्य। तो आप ध्यान रखेंगे गुप्तजी द्वारा रचित खंड काव्यों की कुल 19 संख्या मानी जाती है और इनके दो महाकाव्य भी हैं। रंग में भंग, इससे संबंधित विषय पूछा जा सकता है। चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंधित जो राजपूती आन है उसका वर्णन इस रंग में भंग जो इनकी रचना है इसमें किया गया है। पंचवटी रचना में लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष वर्णन किया गया है। विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया गया है। तो ये सभी तथ्य आप मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं और इनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनको याद रखेंगे। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वह है साकेत। साकेत जो रचना है इसका समय है 1931 ईस्वी। इसमें कुल 12 सर्ग हैं और यह एक महाकाव्य प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और यह तुलसी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा रामकाव्य माना जाता है। इस रचना में आर्य समाज का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। साकेत में आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना पर आर्य समाज का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो हम बात करेंगे साकेत की। इन्हें दद्दा के नाम से पुकारा जाता था। पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध कौन हुए, तो मैथिली शरण गुप्त। अगर गुप्त जी की कुछ पद हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी जो यशोधरा से ली गई है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छंद चांदनी छिटक रही थी अवनी और अंबरतल में, ये पंचवटी की रचनाएं हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर, ये समस्याएं सभी ये भारत भारती की रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होती रहती हैं। गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली रचना है यह हेमंत। हेमंत नाम से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इनकी पहली काव्य रचना रंग में भंग जो लघु खंड काव्य माना जाता है, जो इनका 1909 में प्रकाशित हुआ था। इनकी पहली कविता हेमंत है लेकिन पहला काव्य रचना जो है वह रंग में भंग है। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण प्रसिद्ध काव्य रचना भारत भारती है। महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जिसकी वजह से वो लोकप्रिय हुए थे। यह रचना मुसद्दे हाली एम मुसद्दे कैफी या भारत दर्पण लेखक जिसके रहे हैं ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित रचना मानी गई है। भारत भारती रचना के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था और इसी रचना के लेखन के कारण इनको राष्ट्रकवि की संज्ञा भी दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखेंगे। इनको राष्ट्रकवि की उपाधि 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई है। इनकी आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वेश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी, परंतु द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद ये कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जिनको हम बता रहे हैं। गुप्त जी की दूसरी महत्वपूर्ण रचना साकेत है, जिससे संबंधित बात अभी हम कर चुके हैं। 1931 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। तो आइए देखते हैं गुप्त जी से संबंधित अन्य तथ्य। गुप्त जी की व्यापक संवेदना के रचनाकार हैं। गुप्त जी व्यापक संवेदना के रचनाकार हैं। उन्होंने अपने युग के भावबोध को समग्रता से ग्रहण करके उसे चित्रित किया है। आधुनिक हिंदी काव्य में वैष्णव उदारता के वे प्रतिनिधि हैं, प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। आधुनिक हिंदी काव्य में वैष्णव उदारता के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं, तो मैथिली शरण गुप्त। संकीर्णता की गंध न उनके व्यक्तित्व में थी न कृतित्व में। उनकी कविता का विषय क्षेत्र भी व्यापक है। भारत के प्रायः सभी
धार्मिक मतों और विश्वासों का समाहार उनकी काव्य भावना में हो गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में प्रबंध काव्य सबसे अधिक गुप्त जी ने ही लिखे हैं। हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं उनमें सर्वाधिक जो प्रबंध काव्य हैं वो गुप्त जी ने ही लिखे हैं। उनकी वास्तविक काव्य प्रतिभा प्रबंध काव्यों में दिखाई पड़ती है। गुप्त जी के प्रबंध काव्य अधिकांशतः पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक पर आधारित थे। अब आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि गुप्त जी के प्रबंध काव्य अधिकांशतः किस पर आधारित हैं, पौराणिक और ऐतिहासिक कथानकों पर। इन प्रबंध काव्यों की मूल संवेदना आधुनिक है। इनमें अतीत को नए बोध के अनुसार व्याख्यायित किया गया है। इसमें विकसित चेतना के आलोक में अपने धार्मिक ऐतिहासिक महापुरुषों को देखा गया है। गुप्त जी ने धार्मिक विश्वासों को आहत किए बिना कथा के भाव पक्ष को नए बोध से युक्त किया है। गुप्त जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं कौन कौन से, साकेत जिसके अभी हमने बात की, जिसका रचना काल 1931 ईस्वी है और इसमें कुल 12 सर्गों की बात हमने की थी और यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। यह विशुद्ध प्रबंध काव्य है, अर्थात प्रबंध काव्य है यह, जिसे महाकाव्यात्मक श्रेणी में रखा गया है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। किसको बना करके, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को इसमें नायिका बनाया गया है और उसके माध्यम से रामकथा कही गई है। यह नारी चेतना से संबंधित काव्य है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सर्ग भी इसका कौन सा है, 9वां सर्ग, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सर्ग है 9वां सर्ग, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित यह सर्ग है। 10वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन हमें दिखाई देता है। रचना में कुल 15 वर्ष इसमें लगे हैं। इस साकेत रचना को लिखने में 15 वर्षों का समय लगा है। इसका प्रारंभ 1916 ईस्वी में हो गया था, जबकि इसका प्रकाशन जो है वह 1931 ईस्वी में हुआ है। इसलिए साकेत का जो रचना काल है वह 1931 ईस्वी ही माना जाता है। यशोधरा इनकी जो रचना है, इसकी नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। यशोधरा का भी आप समय याद रखेंगे, यशोधरा का समय है 1933 ईस्वी। विकट भट्ट की अगर हम बात करें तो यह जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें वचन निभाने का वर्णन किया गया है। रंग में भंग इनकी प्रथम रचना है, काव्य रचना है प्रथम 1909 ईस्वी में, और इसमें राजपूती आन की कथा का वर्णन है। चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंधित यह रचना है। आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंधित मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना है, रंग में भंग। गुरुकुल यह है सिख गुरुओं की कथा है, जो 1929 ईस्वी है। किसान यह है एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है, किसान इनकी रचना है। यह किसान के जीवन से संबंधित रचना इनकी मानी जाती है और इसका समय है 1917 ईस्वी, किसान का 1917 ईस्वी। सिद्धराज प्लासी का युद्ध के अतिरिक्त जयद्रथवध और पंचवटी उनके विख्यात प्रबंध काव्य हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में भी गुप्त जी ने जय भारत नाम से महाभारत की कथा लिखी है। गुप्त जी की संवेदना की व्यापकता का प्रमाण मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित जैनी नामक कृति है। गुप्त जी की कृतियों में आधुनिक युग की लोकोन्मुखता मानवीय करुणा के साथ खुल मिल गई है। उन पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट है। वे अतीत के प्रेमी हैं किंतु वर्तमान की विषमता को देखने से कतराते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे नए विचारों का स्वागत करने में पीछे नहीं रहते हैं, इसलिए उनका अतीत प्रेम भविष्योन्मुख है। लोक की महिमा प्रतिष्ठित करने वाले रचनाकार हैं। साकेत के राम घोषणा करते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया। कौन घोषणा करते हैं, किसकी पंक्तियाँ हैं, साकेत में से ली गई हैं, जिसमें राम घोषणा करते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। गुप्त जी मानवतावादी रचनाकार हैं, राम के प्रति उनका यह निवेदन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, अर्थात इसमें जो राम है उसको मानव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करो। प्राचीन कथा में नया भावबोध भरने का उद्योग हरिओद ने प्रिय प्रवास में किया था, गुप्त जी ने वही काम साकेत में किया है। अब यह भी बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है कि प्राचीन कथा में नया भावबोध भरने का
उद्योग हरिओद ने प्रिय प्रवास में किया है, ठीक उसी प्रकार गुप्त जी ने अपनी किस रचना में किया है, तो साकेत। किंतु गुप्त जी की संवेदना व्यापक तो थी ही, उसमें रचनात्मक क्षमता भी अधिक थी, इसलिए उनकी रचनाओं में प्राचीन आख्यानकों में आधुनिक बोध कलात्मकता के साथ रच बस गया है और उतरा कर अलग नहीं दिखाई पड़ता है। गुप्त जी की कृतियों में पारिवारिक केंद्रीय संवेदना के रूप में उभरती है, अर्थात जो पारिवारिकता है यह उनकी कृतियों का केंद्रीय संवेदना बिंदु रहा है। कौन सा? पारिवारिकता। अब आपसे सत्य असत्य वाले कथनों में पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, और उसमें आपको एक लाइन दे देंगे कि गुप्त जी की कृतियों में पारिवारिकता केंद्रीय संवेदना के रूप में उभरती है, क्या यह कथन सत्य है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। स्वाधीनता की चेतना काव्य में आरूप नहीं रहती, उसका दबाव मानवीय संबंधों पर भी पड़ता है। गुप्त जी के यहाँ पारिवारिक संबंधों का चित्रण नई चेतना के आलोक में किया गया है। उर्मिला, कैकई, यशोधरा, लक्ष्मण, तथागत, सब में कुछ न कुछ नवीनता हमें देखने को मिलती है। गुप्त जी की पारिवारिकता में जो मार्मिकता पैदा करते हैं, उसे देखकर कहीं कहीं तो भवभूति की याद आ जाती है। अब यह पूछा जा सकता है कि जो गुप्त जी की प्रमुख विशेषता है कृतियों की पारिवारिकता, उसको देख करके, उसकी मार्मिकता को देख करके हमें किस रचना, अन्य रचनाकार की याद हो आती है? भवभूति। इसी से संबंध गुप्त जी की नारी भावना अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मैथिली शरण गुप्त की उस समय में नारी परिवार के केंद्रों में होती है। नई चेतना ने भारतीय नारी जीवन की पीड़ा को पहचाना है। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में बेजोड़ हैं। नारी पात्रों पर स्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण गुप्त जी अचूक स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता के साथ करते हैं। उनके नारी पात्र स्वाभिमानी, देशभक्त, कर्तव्यपरायण होकर अपनी निजी वेदना को नहीं देते। साकेत की उर्मिला नारी की जब हम बात करते हैं तो हमें याद आती है साकेत की उर्मिला, यशोधरा की गोपा, इस दृष्टि से बहुत जटिल किंतु स्वाभाविक और आधुनिक पात्र हैं। भारतीय नारी के जीवन के विषय में ऐसी मार्मिक उक्ति पूरे भारतीय साहित्य में शायद ही कहीं मिले, जो लोगों की जबान पर आज भी रटी पड़ी है। जो यशोधरा की पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह नारी के जीवन के विषय में ऐसी मार्मिक उक्ति है जो हमें अन्य किसी कवि के साहित्य में, अन्य किसी कवि की कृतियों में, कविताओं में देखने को नहीं मिलती। यह केवल और केवल हमें मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में देखने को, उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। गुप्त जी ने मुक्तक भी कम नहीं लिखे हैं, उनके मुक्तक व्यवस्थित होते हैं। भाषा का प्रवाह चाहे उनमें न मिले किंतु स्थित योजना की दृष्टि से वे चुस्त होते हैं। गुप्त जी ने कुछ बांग्ला काव्य कृतियों का अनुवाद भी किया है, अर्थात अनुवाद भी इन्होंने किया है। माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध का जैसा उत्तम अनुवाद उन्होंने किया है, काव्यानुवाद का अभी कभी तक प्रतिमान है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है गुप्त जी के संदर्भ में, कथन आपसे पूछा जा सकता है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणाली को ग्रहण करते चलने की शक्ति। ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल गुप्त जी के विषय में। इस दृष्टि से ये निसंदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इसमें हम सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक पाते हैं। यह सबसे पहले कहा जा चुका है कि गुप्त जी की रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित और सम्मानित हुई है। खड़ी बोली इनके काव्य में प्रतिष्ठित और सम्मानित हुई है। काव्य भाषा के रूप में इनके पथ प्रदर्शक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। अभी हमने प्रारंभ में इससे संबंधित बात की है कि इनके जो मार्गदर्शक हैं वो कौन रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं।
क्यों? क्योंकि इन्होंने द्वेदी युग में ये ऐसे कवि थे जिन्होंने महावीर प्रसाद द्वेदी के नेतृत्व में रहकर और उनके मार्गदर्शन के अनुसार लेखन कार्य किया है और इस वजह से इनको अनुशासन की धारा का कवि द्वेदी मंडल के कवि वर्ग में शामिल किया गया है। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मांझने का प्रयास इनकी रचनाओं में साफ झलकता है। गुप्त जी ने गीत और गेय पद भी लिखे हैं। हरिगीतिका इनका प्रिय छंद है। यह भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? हरिगीतिका। इन्होंने गीत और गेय पद भी लिखे हैं। प्रबंध काव्यों में यथास्थान वाक् चातुरी संवादात्मकता वक्तृत्वता पाई जाती है। कहीं कहीं तुकों का मोह अखरता है, जैसे ये निरंतर नए नए विषयों की ओर मुड़ते हैं, वैसे ही शिल्प की ओर भी मुड़ते हैं। गुप्त जी ने अतुकांत रचनाओं में भी सफलता पाई है। मेघनाद वध का अनुवाद इन्होंने अतुकांत कविता में किया है। बाद में यह छंद प्रवृत्ति प्रसाद और निराला की रचनाओं में देखने को मिलती है। कौन सी प्रवृत्ति बाद में प्रसाद और निराला के यहाँ देखने को मिलती है? अतुकांत कविता की प्रवृत्ति जो हमें मेघनाद वध में देखने को मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बनाकर पूछा जा सकता है कि अतुकांत कविता की जो प्रवृत्ति मेघनाद वध में मैथिली शरण गुप्त के यहाँ हमें देखने को मिलती है, वह आगे जाकर किन में हमें देखने को मिलती है? प्रसाद और निराला की कविताओं। गुप्त जी यद्यपि स्वतंत्रोत्तर भारत में नई कविता के आंदोलन के समय तक रचनागत रहे, किंतु प्रमुख काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से इन्हें छायावाद पूर्व काल का ही रचनाकार मानना उचित होगा। तो आज की कक्षा में हमने केवल मैथिली शरण गुप्त के विषय में पढ़ा है। अगली कक्षा में हम रामनेश त्रिपाठी के विषय में पढ़ेंगे। आप ये सभी तथ्य मैथिली शरण गुप्त से संबंधित ध्यान रखेंगे, साकेत रचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे, इनकी रचनाओं का क्रम आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि इनकी कौन सी रचना किस विषय से संबंधित है, इन्हें दद्दा के नाम से पुकारा जाता था और इन्होंने माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद मधुपुप नाम से किया है। स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए हैं। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। इनको जो प्रसिद्ध प्रिय छंद जो इनका प्रिय छंद रहा है वह है हरिगीतिका। गुप्त जी पहले वेशोपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते थे, ये बात हम कर चुके हैं, याद रखेंगे, किंतु बाद में सरस्वती में अपनी रचनाओं को ये प्रकाशित करवाने लगे थे। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं भी सरस्वती में भेजी थी। किस नाम से सरस्वती में पत्रिकाएं में इन्होंने कविताएं भेजी थी? रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में। द्वेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया था कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविता ही छापते हैं। यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का जमाना अब लद गया है। यह बात थी सरस्वती में जब वो ब्रजभाषा में रसिकेंद्र उपनाम से अपनी रचनाएं भेजते थे। गुप्त जी पर इन दोनों बातों का विशेष प्रभाव पड़ा था जब द्वेदी जी ने इन्हें ये बातें कही थी और उन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए इन्होंने पहले ब्रजभाषा में और फिर खड़ी बोली में लिखा। जब द्वेदी जी ने इन्हें कहा कि नहीं, अब रसिकेंद्र बनने का जमाना गया और सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी कविताओं को ही शामिल करते हैं या छापते हैं, और उपनाम से सदैव ही उन्होंने जो रसिकेंद्र उपनाम था उससे मुक्ति पाली और तत्पश्चात इन्होंने हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी। जो कब भेजी थी? 1905 ईस्वी में। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनकी पहली कविता कौन सी है? हेमंत, जो खड़ी बोली में इन्होंने पहली कविता लिखकर भेजी, जो अनपढ़ एवं अस्व्यस्त थी किंतु अनगढ़ थी, मतलब अच्छे से खड़ी बोली में पहली रचना इन्होंने लिखी थी इसलिए वह अनगढ़ सी प्रतीत हो रही थी, किंतु द्वेदी जी ने उसमें व्यापक फेरबदल किया और गुप्त जी के नाम से वह सरस्वती में छाप दी। तो ये सभी तथ्य आप याद रखेंगे, इनकी रचनाओं का क्रम अवश्य ध्यान रखेंगे, इनका पहला काव्य रचना रंग में भंग याद रखेंगे, आप याद रखेंगे मुसद्दे हाली लेखक जिनके ब्रिजमोहन दत्तात्रेय कैफी रहे हैं, जिनसे ये प्रभावित रहे हैं। भारत भारती इनकी जो रचना है जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था, जिसकी वजह से इनको राष्ट्रकवि की संज्ञा दी जाती है। और किसने दी राष्ट्रकवि की उपाधि इनको? 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी ने इनको दी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। गणपति चंद्रगुप्त इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहते हैं। आधुनिक काल का तुलसीदास गणपति चंद्रगुप्त किसे कहते हैं? मैथिली शरण
गुप्त को कहते हैं आधुनिक काल का तुलसीदास। और एक और तथ्य जिसकी अभी हमने इससे पूर्व की कक्षा में बात की है, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने, तो हरिओद को इन्होंने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो गणपति चंद्रगुप्त से संबंधित ये दोनों तथ्य आप याद रखेंगे, गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है, सूरदास कहा है हरिओद को और तुलसीदास कहा है मैथिली शरण गुप्त को। तो आज के लिए इतना ही, कल की कक्षा में अगला अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।